सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं है आप लोग को बताने वाला हूँ अपने गांव का नज़ारा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा गाँव का नज़ारा कैसा रहता है। आप लोग को तो पता ही होगा, मस्त नज़ारा रहेगा। आज दिखाते हैं, तो चलिए अभी मंदिर दिखाते हैं कैसा मंदिर है। वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि हमारे बिहार में स्थित है। उतना मस्त तो नहीं है, बट इतना भी मस्त है कि आप लोग खुश हो जाइएगा देखकर। चलिए वीडियो में बने रहेगा, और अभी मंदिर दिखा रहे हैं और खेत पथार सब दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम मंदिर के बहुत करीब पहुँच गए हैं, तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा। मंदिर दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। यार देख लीजिए, वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि रामलीला हो रहा है ना, अभी यहाँ पे पोस्टर लगा दिया है। और तो हमारे बाबा को देखिए, वो ये देखिए हमारे बाबा को, जय श्री राम। आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, बोल मत दीजिएगा। तो और नज़ारा दिखा रहे हैं मंदिर का, देख लो नज़ारा कैसा है यहाँ का, पूरा घुमा कर एक बार दिखा देते। इधर देख लो, ये है खेत उत है, उधर देखो सरसों कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये केला का पेड़ रहा, और ये मंदिर रहा। देखिए रघुवीर मामू जा रहे हैं रोड से गुजरते हैं। तो आप लोग देख लिए और नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ का, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। 28 तारीख से मतलब पता चल ये हमारे गांव का नज़ारा रहा भाई, काफ़ी मस्त नज़ारा है ना। और अभी वीडियो में बने रहेगा, खेत उत का नज़ारा दिखाएंगे कैसा रहता है। हरियाली तो भी कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इधर देख लो बच्चे लोग खेल रहा है। चलिए और नज़ारा दिखाते हैं, वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों, एक दुकान के पास हम पहुंचे, और दुकान पहले का और अभी का दुकान में ना इतना फ़र्क हो गया है ना, क्या ही बताएं, बहुत का फ़र्क हो गया है। तो चलिए हम वो दुकान को भी दिखाते हैं अभी। ये देख ली इधर का हमारे गांव के आदमी लोग को, देखिए कैसे बैठ के पतिया तैयार है। इधर का नज़ारा देख लो, ये दुकान दिखा दे, ये दुकान है ना अभी। और मैं अभी हम आप लोग को बताएंगे, उसमें स्क्रीनशॉट दे देंगे, उससे देख लीजिएगा पहले का और अभी का, बहुत का फर्क हो गया है, बहुत ही ग्रो कर गया है, बहुत ही एक दो साल में। देखो का ही दुकान अभी बन गया है ना। इधर बाढ़ आ जाते हैं हमारे गांव में, इसलिए इतना ऊंचा करके बना है। बाइक अभी जा रहा है, देख लो थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ सकता है, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। देखिए इसमें हम पोस्टर दे देंगे, उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा पहले का और अभी का। इधर देख लीजिए गाड़ी का जो है ना वो बताने, इधर भी ऑटो जा रहा है, नज़ारा है ना भाई। चलिए हम अभी खेत में जा रहे हैं, तो वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं खेत, तो खेत का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए रोड से उतर गए हैं, तो अब खेत की तरफ जा रहे हैं, तो खेत का वीडियो भी दिखाएंगे, मस्त वीडियो दिखाएंगे, देख लीजिएगा कैसा नज़ारा होने वाला है आज। सरसों, गेहूं, आलू, मक्का, जिसको आप लोग भुट्टे बोलते हैं, ये सब का पेड़ है, ये सब का खेती होता है हमारे गांव में। इधर तो ये सरसों है, देख लो। और चलिए वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम दिखाते हैं आप लोग को। दोस्तों देख लो, ये मटर का और सरसों का पेड़ है, इसमें मटर लगा हुआ है, सरसों, उधर देख लो गेहूँ लगा हुआ है, देख लो भाई इसमें मटर है, मटर, मटर का पेड़ है, और सरसों भी है जो कि पीला वाला सरसों है, पीला वाला सरसों आप लोग जानते होंगे। और इधर देख लो गाय हुई है, पीला वाला का पेड़ है, देख लो उधर बम्बू का पेड़ है, बांस का पेड़ है, इसमें आलू लगा हुआ है, आप लोग देख लो कुछ आलू जन्मा हुआ है, देख लो उधर, अभी इसमें तो जन्मा नहीं है लेकिन राउंड में जो लगा है ना उसमें जन्म गया है, देख लो। इधर गेहूँ है, गेहूँ का पेड़ है, और चलिए हम सरसों वरसों दिखाते हैं, जो कि ये अभी तो हरियाली आप लोग को नहीं मिलेगा देखने को, बट कुछ महीने बाद, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो हरियाली नहीं देखा पाऊँगा, माफ़ कीजिएगा। और इधर देख लो बबूल का पेड़ है, ये देख लो कितना बड़ा बबूल का पेड़, ये फिर से आ गया सरसों का खेत, ये देख लो सरसों का खेत है,
वो किसान लोग है, देख लो उधर अभी बोरिंग कराएगा एक पंप, जो कि आप लोग अभी हम जा रहे हैं थोड़ा छेका बनाने के लिए खेत में काम करने के लिए, तो वो भी वीडियो दिखाएंगे, देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। ये रहा सरसों का पेड़, उधर देख लो। चलिए अभी मक्का उक्का दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, मज़ा ही आ जाएगा। ये सब तो आप लोग को शहर में तो नहीं मिलेगा देखने को, और ऐसा वीडियो जल्दी आता भी नहीं है यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सब वीडियो का। ये इधर धैंचा का पेड़ है, जो कि जलावन के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें खेसारी तो आप लोग जानते ही होंगे, खेसारी रोपा हुआ है। खेसारी एक पेड़ हम दिखा दे रहे हैं आपको, उखाड़ कर, उखाड़ने से तो नुकसान हो रहा है, देख लो ये खेसारी का पेड़ है। और इधर देख लो आलू और मक्का, आलू और मक्का है। अभी हम जा रहे हैं छेका बनाने के लिए, उधर रणजीत भाई बना रहा है छेका, जो कि मस्त नज़ारा, देख लो एक बार घुरा कर दिखा दे रहे हैं, देख लो काफी मस्त नज़ारा है ना। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा ऐसा अगर नज़ारा आप लोग को पसंद आया होगा तो। और इसमें देख लो मक्का रोपा हुआ है, सिर्फ मक्का ही रोपा हुआ है, आप लोग को दिखता होगा एक एक पेड़, एक एक पेड़ दिखता होगा आप लोग को। तो आप लोग ये मक्का या भुट्टा वही होता है, आप लोग मक्का नहीं जानते होंगे तो भुट्टा जानते ही होंगे, भुट्टा ही का पेड़ है जो कि। चलिए एक बार बैक करके दिखा देते हैं, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों देखिए अभी हम खेत में काम कर रहे हैं, छेका बना रहे हैं छेका, ताकि पानी पटेगा तो एकदम आसान से पानी पड़ जाएगा। देखिए सभी खेत में बना हुआ है, उधर आलू रोपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।